रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सहकारिता मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए हैं। इसमें केंद्र सरकार और सहकारिता मंत्रालय की पहल पर चल रहे कामों पर चर्चा की गई है। मंत्री केदार कश्यप ने कार्यशाला की जानकारी देते हुए कहा है कि पहले की स्थिति के बाद सहकारिता पर गृह मंत्री अमित शाह ने फोकस किया है। धान खरीदी के साथ मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और लघु वन उपज को देखते हुए भी खुद को साबित करना है। इसके लिए 6,700 करोड़ का आपातकालीन लोन भी दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान की खरीदी तक सीमित न रहें, हमारा मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो या लघु और उपज के दृष्टि से भी हम अपने आप को साबित करें, और वैसे तो कर ही रहे हैं लेकिन और उसको बड़े स्केल पे हमको करना है। उस दृष्टि से हम लोग इसमें कार्य योजना बनाए हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर जो हम अल्पकालीन जो ऋण देते हैं, लगभग अभी मैं देख रहा था लगभग 6,700 करोड़ से ऊपर का अल्पकालीन ऋण इस वर्ष दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक सबसे अच्छा उदाहरण अल्पकालीन ऋण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रस्तुत करता है।